प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कुलदीप सिंह राठौर ने पहली आम सभा की मीटिंग बुलाई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंजनी पाटिल, सह प्रभारी गुरकीत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी शामिल हुए। हालांकि यह पहला मौका है जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस की आम सभा की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। इससे पहले जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू थे तो वीरभद्र सिंह कांग्रेस की मीटिंगों से दूरी ही बनाए रखते थे। कांग्रेस की आम सभा में लोकसभा चुनावों को लेकर एजेंडा भी तैयार किया गया कि किन किन मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव में भाजपा को घेरना है और प्रदेश की चारों सीटों पर कब्जा करना है। रंजनी पाटिल ने कहा कि भाजपा चुनावों के वक्त कुछ न कुछ जुमलेबाजी जरूर करती है। इस तरह की जुमलेबाजी अब भी प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन करके की जा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है इस बार भाजपा के जुमले नहीं चलने वाले हैं। मीटिंग में कांग्रेस के सभी संगठनों के प्रमुखों और कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं रंजनी पाटिल ने कहा कि टिकटों को लेकर भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जल्द फैसला लेगा। रंजनी पाटिल ने बताया कि 7 मार्च को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की हिमाचल के कांगड़ा जिला में रैली होनी है, उसको लेकर भी स्थान का चयन करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कुलदीप राठौर को अध्यक्ष बनाए जाने पर राहुल गांधी का धन्यवाद भी प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक की शुरुआत पुलवामा में शिकार हुए जवानों के लिए 2 मिनट का मौन रख के की गई। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऑलमोस्ट हम चुनाव के मोड पे चले गए हैं, तो उसके लिए हमारी रणनीति माइक्रो लेवल पे करने के लिए हमने ब्लॉक अध्यक्ष के सहित यह जनरल हाउस यहाँ बुलाया है और मीटिंग के बाद हर ब्लॉक अध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष के साथ हम बात करेंगे और उनको समझाएंगे किस तरह से हमें इस लड़ाई में जाना है, मैदान में जाना है। तो अभी हमारे आर पार की लड़ाई का सवाल है, तो उसकी तैयारी हम करेंगे। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, 7 तारीख का उन्होंने टेंटेटिव प्रोग्राम दिया है 7 मार्च का, तो उसकी भी हम आज चर्चा करेंगे किस जगह पे लेनी है। भौगोलिक स्थिति को देख के हम उनको प्रस्ताव देंगे और किस तरह से लेना है, लेकिन 7 तारीख को आएंगे पूरा हिमाचल उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाएगा। टिकटों को लेकर भी मंथन होगा मैम, क्योंकि नजदीक आज टिकटों को लेकर मंथन नहीं होगा क्योंकि आज तो हम जनरल हाउस बुला रहे हैं, लेकिन उसके बाद में हम बैठेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि ये सब जुमलेबाज लोग हैं और ये हर बार जुमला करके लास्ट टाइम चुन के आए हैं, लेकिन अभी लोग उनको समझ गए हैं। अभी इन जुमलों का कोई फायदा या फर्क पड़ेगा नहीं, मुझे लगता नहीं। एच टुडे के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।